दोस्तों आज की वीडियो वाकई में काफी तगड़ी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम उन टॉप 5 सुपरस्टार्स की बात करने वाले हैं जिनकी बुकिंग बिल्कुल बेकार और घटिया चल रही है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से WWE ने उनका कचरा कर दिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, जब से WWE ने बैकलैश के लिए सेथ रोलिंस वर्सेस ओमास का मैच सेट किया है, तब से सोशल मीडिया पर लोग इस मैच को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं और सेथ रोलिंस की बेकार बुकिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों सिर्फ सेथ रोलिंस ही नहीं, WWE में और भी कई सुपरस्टार्स हैं जो काफी तहलका मचा सकते हैं और उन्होंने मचाया भी है, लेकिन फिर भी WWE उनको तगड़ा पुश नहीं दे रही। दोस्तों नंबर 5 पर है ब्रॉन स्ट्रोमैन। दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन के रिटर्न को लेकर लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि सुपरस्टार के रिटर्न के बाद वो पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बड़े लेवल का सुपरस्टार बन जाता है, क्योंकि लोगों को उसकी अहमियत का पता चलता है। लेकिन दोस्तों WWE ने ब्रॉन स्ट्रोमैन के रिटर्न के बाद भी उसके कैरेक्टर का कचरा कर दिया। एक तरफ तो WWE ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को मॉन्स्टर ऑफ ऑल मॉन्स्टर्स का टैग दिया है और दूसरी तरफ उसे गुंथर से हरवा दिया। ओटिस उसे फाइट में बॉडी स्लैम दे रहा है और ओमास को हराने के बाद ये मॉन्स्टर क्रूजर वेट सुपरस्टार के साथ एक नॉर्मल से टैग टीम मैच में फाइट कर रहा है। दोस्तों नंबर 4 पर है द जाइंट ओमास। दोस्तों माने या ना मानो, अगर WWE ओमास को तगड़ा पुश दे तो ओमास काफी तहलका मचा सकता है, क्योंकि 7'3" हाइट और 400+ pound वेट होने के बावजूद ओमास की फिजिक काफी तगड़ी है। ओमास काफी फुर्तीला सुपरस्टार है और ओमास की एज भी काफी कम है, तो ओमास WWE को काफी टाइम दे सकता है। लेकिन फिर भी WWE ओमास का कचरा कर रही है। पहले ओमास को बॉबी लेस्ली से 3 बार हरवाया, फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन से सिर्फ एक रनिंग पावर स्लैम में हरवा दिया और फिर ब्रॉक लेसनर के एक F5 से हरवा दिया। दोस्तों ओमास मैच हार जाए वो गलत नहीं है, लेकिन इतना लंबा तगड़ा सुपरस्टार सिर्फ एक फिनिशर से हार जाए, उसका मैच बिना स्टोरीलाइन और तगड़ी फ्यूड के सेट हो जाए, वो गलत है। दोस्तों नंबर 3 पर है ड्रू मैकेंटायर। दोस्तों माने या ना मानो, ड्रू मैकेंटायर एक टॉप लेवल का सुपरस्टार है, क्योंकि ड्रू मैकेंटायर की हाइट, फिजिक, माइक स्किल, फाइटिंग स्किल और पर्सनैलिटी हर चीज तगड़ी है। इवन ड्रू मैकेंटायर की एंट्रेंस भी तगड़ी है। दोस्तों ड्रू मैकेंटायर रोमन रेंस की टक्कर का सुपरस्टार है। ड्रू मैकेंटायर वर्से रोमन रेंस मतलब जॉन सीना वर्से बतिस्ता, गोल्डबर्ग वर्से ब्रॉक लेसनर और रॉक वर्से अस्टेन। दोस्तों 2020 में ड्रू मैकेंटायर अनस्टॉपेबल था, सुपरस्टार ऑफ द ईयर था, लेकिन आज के टाइम में WWE ने इतने तगड़े सुपरस्टार की बुकिंग का कचरा कर दिया है। दोस्तों नंबर 2 पर है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। दोस्तों मानो या ना मानो, ब्रॉक लेसनर वो सुपरस्टार है जो आज के टाइम में सिर्फ WWE में ही नहीं, पूरी दुनिया के किसी भी रेसलिंग कंपनी के किसी भी सुपरस्टार को काफी आसानी से हरा सकता है, और यही रीजन है कि बैकस्टेज ब्रॉक लेसनर से कोई फालतू नहीं बोलता। लेकिन दोस्तों जब से द काउबॉय वाले ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हुआ है, तब से WWE ने ब्रॉक लेसनर की बुकिंग का कचरा कर दिया है। पहले 3 बार रोमन रेंस से हरवाया, इवन बॉबी लेस्ली के सामने भी ब्रॉक लेसनर को कमजोर दिखाया, और अब कोडी रोड्स को तगड़ा पुश देने के लिए WWE शायद ब्रॉक लेसनर की बुकिंग को बेकार ना कर दे। और दोस्तों नंबर 1 पर है सेथ रोलिंस। दोस्तों ये बात हम सब जानते हैं, पिछले 2-3 साल से WWE सेथ रोलिंस को तगड़ा पुश नहीं दे रही। इवन सेथ रोलिंस का इस्तेमाल WWE दूसरे सुपरस्टार को तगड़ा पुश देने के लिए कर रही है। उदाहरण के तौर पर कोडी रोड से 3 बार सेथ रोलिंस को हरवा दिया, जबकि सेथ रोलिंस कोडी रोड से काफी बेहतर सुपरस्टार है। एज के सामने भी सेथ रोलिंस को कमजोर दिखाया, रेसलमेनिया जैसे बड़े पेपरव्यू में सेथ रोलिंस की फाइट लोगन पोल से करवा दी, और अब बिना किसी फ्यूड और स्टोरी लाइन के बैकलैश में ओमास के साथ मैच सेट कर दिया। तो दोस्तों ये थे मेरे हिसाब से टॉप 5 सुपरस्टार्स जिनको एक तगड़े पुश की जरूरत है, लेकिन आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं।